हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ द सन रेज, द लेंथ ऑफ द डेज। व्हेन द सन रेज रीच द अर्थ, जब सन की रेज बेटा अर्थ पे पहुंचती है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इफ़ द अर्थ हैड बीन रोटेटिंग स्ट्रेट, अगर अर्थ बेटा बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट करती अपनी एक्सिस पे, देन वी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल सीज़न एट द सेम टाइम। तो हम लोग क्या करते बेटा, एक सारे सीज़न एक बार में हम लोग एक्सपीरियंस करते। हाउ एवर दिस इज़ नॉट द केस ऑफ अर्थ एक्सिस बीइंग टिल्टेड, जबकि ये केस अर्थ के झुके हुए होने का नहीं है। अर्थ एक्सिस बीइंग टिल्टेड, अर्थ की जो एक्सिस है उसके झुके होने का नहीं है। व्हेन द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, जब सन की रेज अर्थ सरफेस पे पड़ती है, दे आर नॉट पैरेलल टू द प्लेन, वो प्लेन के पैरेलल नहीं होते हैं। ऑफ द सनलाइट, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, बेटा अर्थ का वो पार्ट जो कि सन की तरफ झुका हुआ है, रिसीव मोर सनलाइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है। एंड ऑब्जर्व समर, और वो क्या ऑब्जर्व करता है बेटा, समर मतलब ज़्यादा अगर सन की लाइट पाएगा, अर्थ का जो भी पार्ट है बेटा, सन की लाइट ज़्यादा देर तक पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगी बेटा, गर्मी होगी। ऑन द अदर हैंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, दूसरी तरफ अगर हम देखें बेटा, तो जो अर्थ का पार्ट है जो कि सन से दूर है, जहाँ पे कि सन की लाइट कम पड़ रही है, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर सन लाइट इज़ अनेबल टू रीच, और द पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस सन लाइट एंड हैंस ऑब्जर्व विंटर। और इस तरीके से वहाँ पे बेटा, जब सन की लाइट जहाँ पे कम पड़ती है, वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, विंटर सीजन। एंड इन द मंथ ऑफ जून द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, बेटा जून के मंथ में क्या होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ झुका होता है, वाइल द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जबकि जो साउथ पोल है बेटा सन से बहुत दूर होता है। दस प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, और इस तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न अनुभव करते हैं बेटा, विच सीज़न वी एक्सपीरियंस समर सीज़न, वाइल द प्लेसेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, जबकि द प्लेसेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर के का जो प्लेस है बेटा, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा, देयर वी विल एक्सपीरियंस विंटर। इन दिसंबर द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, बेटा द कंडीशन इज अपोजिट हियर, साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड बिफोर दिस वी सॉ that north pole is tilted towards the sun, so condition is opposite, so result will be also opposite, so the sun and the north pole is tilted away from the sun, thus places in southern hemisphere experience summers while places in northern hemisphere experience winter. Okay beta, northern hemisphere mein hum log kya फील करेंगे बेटा, विंटर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग क्या फील करेंगे, समर। एंड नेक्स्ट वन इज सोलस्टिस, द टू सोलस्टिस ऑकर व्हेन एवर द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज ओरिएंटेड डायरेक्टली टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन, द टू सोलस्टिस ऑकर व्हेन एवर द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज ओरिएंटेड directly towards away from the sun, बेटा दो सोलस्टिस होती हैं when ever the tilt of the earth axis is oriented directly towards away from the sun, मतलब
अर्थ की जो एक्सिस है वो किधर की तरफ हो, दैट इज़ ओरिएंटेड डायरेक्टली टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन, मतलब या तो सन की तरफ हो या तो सन से दूर हो। दिस कॉजेज द हेमिस्फीयर्स टू पॉइंट डायरेक्टली टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सन। दिस ब्रिंग्स चेंज इन सीजन। बेटा जब सन की लाइट या जो अर्थ का टिल्ट है ना, अगर वो सन से दूर है तो वहाँ पे दूसरा मौसम होगा, और जहाँ पे टिल्ट अर्थ का जो टिल्ट है वो सन की तरफ होगा तो वहाँ पे दूसरा सीज़न होगा। दिस ब्रिंग्स अ चेंज इन सीजन ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द मंथ। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ में झुकाव की वजह से ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के मंथ में, अगस्त और सितंबर में, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज पॉइंटेड टूवर्ड्स द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है बेटा वो सन की तरफ झुका होता है। द डे बिकम लॉन्गर एंड द नाइट्स शॉर्टर मेकिंग द सीजन वार्म इन द नॉर्दर्न। बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो ज़्यादा देर तक शाइन करती है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो क्या होता है वो वार्म होता है। बेटा यू कैन सी हियर इन द पिक्चर इक्विनॉक्स एंड सोलस्टिस। ओके एंड नेक्स्ट इज द लॉन्गर डे ऑफ द ईयर इज 21 जून। बेटा सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड समर सोलस्टिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समर सोलस्टिस की कंडीशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉर्थ पोल गेट्स 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। इस टाइम पीरियड में बेटा जो नॉर्थ पोल है 24 आवर का दिन रहता है वहाँ पे, जबकि वेयर एज द साउथ पोल इज़ कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ सनलाइट, मतलब जो साउथ पोल है बेटा वहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं रहती है। हैंस इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एट द सेम टाइम। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च द सदर्न हेमिस्फीयर फेसेज द सन डायरेक्टली एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट इन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब बेटा कंडीशन यहाँ पे अपोजिट हो गई है ना, जो मंथ है जनवरी फेब्रवरी मार्च का, इस टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में सन शाइन ज़्यादा समय तक होता है। इट टेक्स टू मच टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। दिस मेक द नाइट्स लॉन्गर एंड डे शॉर्टर, है ना। सन बेटा सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा समय तक शाइन करता है, इसलिए वहाँ पे वो गर्मी का समय होगा और डेज जो है लॉन्ग होंगे। और सदर्न हेमिस्फीयर में डेज क्या होता है, इन विंटर टाइम वी शो दैट डेज आर शॉर्टर इन कंपेरिजन विद समर टाइम। सो हैंस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर। द शॉर्टेस्ट नाइट अकर्स ऑन 21 दिसंबर। इट इज़ कॉल्ड द विंटर सोलस्टिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? विंटर सोलस्टिस। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या मार्क करता है बेटा, किस चीज़ को बताता है? द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में द साउथ पोल गेट्स 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। साउथ पोल गेट्स 24 आवर्स ऑफ डे लाइट वाइल द नॉर्थ पोल गेट नो डे लाइट एट ऑल। नेक्स्ट वन इज बेटा इक्विनॉक्स, इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास। द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जब दिन और रात दोनों बराबर होती है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इन मार्च एंड सितंबर द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। बेटा मार्च और सितंबर के मंथ में जो सन की रेज है बेटा वर्टिकली फॉल करती है इक्वेटर पे। बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन दिस डे इन दिस मंथ। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से
नॉर्थ और साउथ पोल की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, इसलिए द डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ एवरीवेयर ऑन द अर्थ। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेड स्प्रिंग इन मार्च। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बेटा वो मार्च में एक्सपीरियंस क्या करता है, स्प्रिंग, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेज ऑटम इन सेप्टेम्बर। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेज ऑटम वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेज स्प्रिंग। बेटा कंडीशन इज अपोजिट इन बोथ केस। 21st मार्च इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स वाइल 23 सेप्टेम्बर इज ऑटमनल इक्विनॉक्स। सो कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स एंड इट्स ऑल अबाउट आवर टूडेज क्लास। We will see the next topic in the next class. Thank you. Have a nice day.